हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू partspower.com। इस वीडियो में हम लैपटॉप की कुछ खास प्रॉब्लम्स जैसे वाईफाई, लैपटॉप का कीबोर्ड, स्क्रीन और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाए और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं इन लैपटॉप की प्रॉब्लम्स को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है वाईफाई की। यूजुअली क्या होता है, बहुत से कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में वाईफाई जो है चलना बंद हो जाता है या फिर सिग्नल्स बहुत लो आते हैं। उस केस में हम वाईफाई की जो तारें हैं, आप देख सकते हैं वाईफाई की छोटी छोटी तार हैं, इन्हें चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि कटी हुई तो नहीं है, गलत तो नहीं लगी हुई। अगर सब कुछ सही है उसके बाद हम वाईफाई जो है ये कार्ड इसको निकालेंगे। वाईफाई कार्ड निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसे साफ़ करना है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि डस्ट की वजह से भी वाईफाई कार्ड जो है चलना बंद हो जाता है, इसीलिए हम इसे निकाल के साफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा गया है कि साफ करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई। फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसका मतलब आपका वाईफाई कार्ड ख़राब है। आपको एक नया वाईफाई कार्ड लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट अराउंड 1200 से 1500 के बीच में हो जाती है। उसके बाद आप जो वाईफाई की प्रॉब्लम अभी तक फेस कर रहे हैं वो आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जो प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही कम लोग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत अहम है, क्योंकि कीबोर्ड जो है लैपटॉप का सबसे मेन पार्ट है। आप लैपटॉप में इंटरैक्ट कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं, तो जो कीबोर्ड की प्रॉब्लम है वो बहुत से लोग फेस करते हैं। कीबोर्ड जो खोलने का प्रोसेस है वो हर कीबोर्ड में यूजुअली अलग होता है, बट जैसे इस कीबोर्ड में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो स्क्रूज़ हैं। आपको सबसे पहले ये स्क्रू खोलने हैं। जैसे ही आप स्क्रू खोल लेंगे, जो आप दूसरी तरफ जाएंगे जब जहाँ पे स्क्रीन होती है उस तरफ से आपको कीबोर्ड खोलना शुरू करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ एक दो बटन्स ख़राब हैं, क्या हमें पूरा का पूरा कीबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा? तो इस केस में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एम ख़राब है और आपके पास उसी कीबोर्ड का एम अवेलेबल है, तो बहुत सी बार आप वही एम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एम नहीं है, एन नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो आपको जो पूरा कीबोर्ड है वही चेंज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ये जो वायर्स होती हैं, आप जो वायर्स देख रहे हैं, ये वायर्स लूज़ हो जाती हैं, इसकी वजह से पूरा कीबोर्ड ही चलना बंद कर देता है। अब अगर आप ये वायर्स को ठीक कर लेंगे, दोबारा से लगा लेंगे, तो भी आपकी जो कीबोर्ड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर ठीक हो जाती है, क्योंकि कीबोर्ड बहुत ही रेयर ख़राब होता है कि पूरा कीबोर्ड ही ख़राब हो गया, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो आप सबसे पहले वायर का ध्यान देंगे, वायर ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन सा बटन नहीं चल रहा है। अगर वो बटन भी ठीक है उसके बाद आपको पूरा कीबोर्ड ठीक चेंज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम की। सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो इसकी LED। यूजुअली लोगों की LED ख़राब हो जाती हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार LED फ्लिक करती है, कई बार चलना ही बंद कर देती है, कई बार जो कलर रिप्रोडक्शन है वो ही अजीब सा हो जाता है, कई बार साइड में ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो ये सारी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये LED से रिलेटेड होती हैं। उस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपनी LED खोलनी होती है। और आप जो LED खोलने का प्रोसेस है, आपने देखा ये ऐसे ही होता है, यूजुअली ज़्यादातर लैपटॉप्स में ऐसे ही LED खुलती है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके पीछे की LED है और यहाँ पे स्क्रूज़ लगे होते हैं। आपको ध्यान रखना है आप फोर्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप के किसी भी पार्ट को खोलने के लिए, तो जो लैपटॉप है वो ख़राब हो सकता है, जो पार्ट आप खोल रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। इसीलिए जो भी पार्ट आप लैपटॉप में खोलें, बड़े ही आसानी से खोलिए, बड़े ही आराम से खोलिए, किसी पे भी ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, क्योंकि जितने भी पार्ट होते हैं लैपटॉप के यूजुअली स्क्रूज से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे आप स्क्रूज खोल लेंगे वो पार्ट बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ पे, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे एक स्क्रू है जो मैं निकालना भूल गया। तो इस केस में आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है, स्क्रूज आराम से खोलने हैं और उसके बाद ये जो स्क्रीन है ये निकाल लेनी है। अब हो सकता है आपकी जो स्क्रीन है वो फ्लिकर कर रही है, कई बार ऑन होती है बंद हो जाती है, ऑन होती है बंद हो जाती है। उस केस में कई बार ये होता है कि जो वायर लगी होती है पीछे से वो लूज़ हो जाती है, जैसे ही लैपटॉप हिलता है तो वो जो लूज़ वायर है उसकी वजह से फ्लिकिंग शुरू हो जाती है। ये आप वायर देख रहे हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले ये जो वायर है इसको साफ़ कीजिए और आराम से दोबारा से एक टाइट आराम से लगा दीजिए। तो बहुत से केसेस में ये प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, उसके बाद आपको जो वायर है वो चेंज करके देखनी है। अब वायर चेंज करने का जो प्रोसेस है वो लगभग 800 से 1000 रुपये में पूरा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप वायर चेंज करने से आपकी स्क्रीन चल गई
तो इसका मतलब 1000 रुपये में आपकी स्क्रीन ठीक हो गई, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन नहीं चली वायर चेंज करने के बाद भी, तो इसका मतलब आपकी जो LED है वो ख़राब हो गई है। अब आपको एक नई LED लगानी पड़ेगी जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, करीबन 3500 रुपये की नई LED आ जाएगी और आपकी जो लैपटॉप में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। LED चेंज करने के लिए यूजुअली लोग बहुत पैसे मांगते हैं, जैसे 7000-10000, बट मैं आपको कहूँ तो LED लगभग 3500 रुपये की आ ही जाती है, और अगर आपकी वायर ख़राब है तो वो 1000 रुपये से 1200 रुपये में ठीक हो जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं LED से रिलेटेड वो इसी तरीके से ठीक होती है। सबसे पहले आपको वायर चेक करनी है, वायर ठीक है इसका मतलब आपकी LED जो है ख़राब है। अगर आपकी वायर ख़राब है तो आप सबसे पहले वायर चेंज कीजिए और LED को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम जो है यूजुअली LED में आती है, तो जैसे ही आप LED ठीक कर लेंगे, जिस तरीके से आपने उसे खोला है वैसे ही बड़े आराम से लगा देंगे, सारे स्क्रूज लगा देंगे। और मैं कहता हूँ कि पहले आप चेक कर लीजिए सिर्फ वायर लगा के कि LED चलने लग गई है कि नहीं, उसी के बाद स्क्रूज लगाइए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये यूजुअली इसी तरीके से ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं CPU का जो फ़ैन होता है, आप साइड में देख रहे हैं CPU का फ़ैन है। बहुत सी बार एक लैपटॉप बहुत हीट करने लग जाता है, यूजुअली यूज़र सोचता है कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, कहीं ये फट ना जाए, क्योंकि जो CPU का फ़ैन होता है जो हीट जो है बाहर फेंकता है वो बंद हो जाता है। इस केस में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने ये सॉल्व नहीं करी तो हो सकता है आपके CPU के सारे कॉम्पोनेंट्स डैमेज हो जाएं। क्योंकि अगर आपका फ़ैन नहीं चल रहा है, इसके बाद आपका जो CPU है वो ओवरहीट होने लग जाएगा, उसके बाद आपका जो लैपटॉप है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक एक करके डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका जो CPU फ़ैन है, आपका जो लैपटॉप में जो फ़ैन लगा हुआ है वो बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं, आपका जो लैपटॉप है वो ओवरहीट तो नहीं हो रहा। अब उसे खोलना कैसे है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसे ठीक कैसे करना है वो हम देखते हैं। आप ध्यान से देखिए इसे खोलना कैसे है। हर लैपटॉप में ये अलग ही होता है, बट यूजुअली जितने स्क्रूज़ मैं खोल रहा हूँ वही स्क्रूज़ आपको खोलने होंगे CPU जो फ़ैन है उसको निकालने के लिए। आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि ये जो CPU का फ़ैन होता है ये खोलना, साफ़ करना और ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों ज़रूरी है रिजॉल्व करनी। तो मैंने ज़्यादातर स्क्रूज़ खोल लिए हैं, अब मैं क्या करूँगा, देख लूँगा कोई और स्क्रू तो नहीं रह गया है। जैसे ही मैंने ये जो फ्रंट प्लेट है ये निकाल ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो CPU फ़ैन है ये अलग से है। अब यहाँ पे जो एक दो स्क्रूज़ हैं वो भी निकाल लूँगा, उसके बाद जो CPU फ़ैन है वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इस बोर्ड से। आप देख सकते हैं ये जो CPU फ़ैन है ये मेरा निकल चुका है। अब ये जो CPU फ़ैन है इसमें होता क्या है, ये बंद क्यों हो जाता है, यूजुअली इसमें डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट या फिर कुछ अटक जाता है जिसकी वजह से फ़ैन घूमना बंद कर देता है। तो आप चेक करेंगे, अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, ब्लोअर मारेंगे इसमें, फिर एक बार कनेक्ट करके देखेंगे कि चलना शुरू हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ज़रूर आप इसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको मैं CPU दिखाता हूँ, जो एक्चुअल में CPU होता है वो कैसे यहाँ से जो हीट है वो बाहर फेंकता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक प्लास्टिक का चैनल है जिसके थ्रू CPU जो है इस फ़ैन के थ्रू इंटरैक्ट करता है और जो हीट है उसे बाहर फेंकता है। ये हमारा CPU है,
यहाँ पे आप कोई पेस्ट लगा दीजिए, बड़ी तरीके के पेस्ट आते हैं जो कूलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ही आप पेस्ट लगा के इसे दोबारा से कनेक्ट कर देंगे, आपका जो लैपटॉप है वो बहुत कम हीट होना शुरू हो जाएगा, अगर आपका फ़ैन बिल्कुल सही चल रहा है तो। तो सबसे पहले आपको फ़ैन का ध्यान देना है, उसके बाद फ़ैन अगर ठीक है उसके बाद ये खोल के यहाँ पे पेस्ट लगा देना है, जिससे कूलिंग जो है वो बढ़े और जो हीट हो रहा है लैपटॉप वो कम हो जाए। ये सारा प्रोसेस आपको करना है अगर आप चाहते हैं आपका जो लैपटॉप है वो बहुत कम हीट हो। अब मैं आपको ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा मदरबोर्ड जो है, ये निकाल के दिखाऊंगा। और जो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, जैसे यूएसबी की प्रॉब्लम हो गई, यूएसबी नहीं चल रही है, यूएसबी को अगर चेंज करना है तो क्या करें, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं एंड में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर यूएसबी पोर्ट ख़राब है तो मेरे को क्या करना है। उसके लिए आपको ये जो पूरा मदरबोर्ड आप देख रहे हैं ये हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये यूएसबी पोर्ट होते हैं, ये यूएसबी पोर्ट कई बार ख़राब हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं। तो इस केस में आप आसानी से इसे खुद भी लगा सकते हैं, आपको ये मदरबोर्ड जो है पूरा निकालना होगा। जब आप इसे निकाल लेंगे तो अलग से पोर्ट आते हैं, वो पोर्ट आप लगा दीजिए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है वो पोर्ट की जो सीरीज़ है, वो जो नंबर है वो क्या है, ये जो सीरीज़ है वो 2.0 है या फिर 3.0 है, उस हिसाब से आप जो है अपना यूएसबी पोर्ट वो चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये अपना जो पूरा मदरबोर्ड है ये निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, और ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। अब ये यूएसबी पोर्ट जो भी ख़राब है वो यहाँ से हमें निकालना है और दोबारा जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगा देना है। तो यही सारी प्रॉब्लम जो हैं यूजुअली लोग लैपटॉप से फेस करते हैं, कॉमनली यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूज़र को दिक्कतें देती हैं जब वो लैपटॉप यूज़ करता है। तो होपफुली मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से कवर की होंगी, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए लैपटॉप की इस वीडियो से, ये जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं ज़रूर पूछिए हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारे जो इंजीनियर हैं वो इसका जवाब दे सकें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जो तरीका हमने बताया, ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी ये पसंद आई हो और इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पार्ट्स बाबा को। अगर आपको इनमें से कोई कंपोनेंट ख़रीदना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा जो नंबर है वो हमारी वेबसाइट पर गिवन है, वहाँ पर आप फ़ोन करके कोई भी कॉम्पोनेंट ऑर्डर कर सकते हैं। .com बहुत ही आसान है, आपको जाना है partsbaba.com पे और आपकी जो लाइफ है बहुत ही सिंपल हो जाने वाली है। तो ज़रूर देखते रहिए partsbaba.com इसी तरीके की वीडियोस के लिए।